अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सी की हिस्ट्री पढ़ी है, अभी तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और हमने स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ी कि सी लैंग्वेज का एक जो प्रोग्राम है वो कैसे डिवेलप करते हैं, स्टेप वाइज कैसे चलते हैं, और फिर हम लोगों ने उसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कैसे लिखा जाता है, वो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। आज हमने देखना है कि प्रोग्राम के अंदर एरर कौन कौन से आते हैं, यानी आप अगर एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। आप ये देखें ना कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, मिस्टेक्स तो आती हैं ना अंदर, तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोई कोड कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ सी में ही नहीं, तो एरर्स आते हैं और किस किस्म के एरर्स होते हैं वो हम देखते हैं। जो कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स हैं सी के, वो तीन हैं। एक तो है सिंटेक्स एरर, दूसरा है लॉजिकल एरर और तीसरा है रन टाइम एरर। अब ये देखें कि ये सिर्फ सी में ही नहीं आते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो तीन टाइप ऑफ एरर्स हैं ये आ रहे होते हैं, आ सकते हैं अगर हम प्रॉपरली या ध्यान से कोडिंग नहीं कर रहे। तो इन एरर्स को जब हम प्रोग्राम कोड कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंसेस की ज़ुबान में इन एरर्स को बग्स बोला जाता है, और जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर से इन बग्स को रिमूव करते हैं या इन एरर्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। तो हमने देखा तीन टाइप ऑफ एरर हैं, कौन कौन से, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझ लें, जो सिंटेक्स वर्ड है कि सिंटेक्स का क्या मतलब है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी जो ग्रामर है कह लें, जैसे हमारी लैंग्वेजेस उर्दू इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं इनकी ग्रामर होती है, उन ग्रामर में क्या होता है, रूल्स ही होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनेगा या एक फ्रेज़ क्या होती है या वर्ड क्या होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी लिखने को, प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि उसकी ग्रामर है, और उसको हम कंप्यूटर साइंसेस की लैंग्वेज में उस ग्रामर को सिंटेक्स बोलते हैं। तो एक ऐसा एरर जो किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से या सिंटेक्स की मिस्टेक की वजह से किसी प्रोग्राम के अंदर अकर होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो या विजुअल बेसिक हो या कोई और जावा हो, तो उस एरर को हम बोलेंगे सिंटेक्स एरर। यानी आपने लिखने में जो तरीकाकार हमें बताया गया है प्रोग्राम लिखने का उस लैंग्वेज का, आपने उसको फॉलो नहीं किया या आपने उसके रूल को वायलेट कर दिया है। अगर जैसे हम लोगों ने जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था सी का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम लोगों ने किसी फाइल को इंक्लूड करना होता है, हेडर फाइल को, तो हम लिखते हैं नंबर साइन इंक्लूड, आगे एंगल ब्रैकेट्स आती हैं, फिर उसके अंदर हम उस फाइल का नाम लिखते हैं और फिर एंगल ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये एक तरीका है जो एक ऐसी स्टेटमेंट लिखने के लिए है जब हमने किसी फाइल को इंक्लूड करना है। तो अगर हम इसमें से किसी एक एंगल ब्रैकेट को मिस कर जाते हैं या अगर हम स्टेटमेंट से पहले नंबर साइन नहीं लगाते तो ये हमारा सिंटेक्स एरर होगा, यानी हमने जो लिखने का तरीका है उसको फॉलो नहीं किया, हम कुछ मिस कर गए। इसी तरह अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर लिखते लिखते हमने कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन है वो मिस कर दिया, या हमने मेन के आगे जो ब्रैकेट्स आ रही हैं हमने वो नहीं डाली, या हमने डिलिमिटर्स जो कि मेन लैंग्वेज सॉरी मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन की स्टार्टिंग और एंडिंग को दिखा रही होती हैं वो मिस कर दी, करली ब्रैकेट्स, तो हमारा ये सिंटेक्स एरर जो है वो अकर हो जाता है। अब हमें इसका पता कैसे चलता है कि हम अपने तरफ से, तो हम पूरा प्रोग्राम जो है वो टाइप कर लेते हैं टर्बो सी के एडिटर के अंदर या कोई और एडिटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको टाइप कर लिया, सेव कर लिया। अब जब हम उसको रन करने से पहले कंपाइल करना शुरू करते हैं, कंपाइल हमने तब करना है रन करने से पहले जब हमने उसको ट्रांसलेट करना है, मतलब हमें वहाँ पर हमने उसको ज़ुबान से नहीं उसको बोलना कि जी हमारा प्रोग्राम जो है उसको ट्रांसलेट कर लो, बल्कि कंपाइल करेंगे हम ऑल्ट F9 प्रेस करते हैं तो कंपाइल होता है, मीन्स के वो हमारी इस लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो जाता है 0 और 1 में। लेकिन अगर हमारे उस कोड के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर कोई सिंटेक्स एरर आ रहा था, तो आपका जो कंपाइलर है वो उस लाइन या उस स्टेटमेंट को
कंपाइल नहीं कर पाएगा या ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक एरर मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, आपको बताएगा कि इस लाइन के अंदर, साथ वो लाइन भी लिखी भी आ रही होगी कि यहाँ पर फलां चीज़ जो है वो मिसिंग है, कोई आपने वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया, या आपने कोई वेरिएबल बगैर डिक्लेयर के इस्तेमाल कर लिया है, या आपने कोई चीज़ मिस कर दी, टर्मिनेटर मिस कर दिया है, या आपने डिलीमिटर्स नहीं लगाए कहीं पर। तो ये इस तरह के जो एरर्स हैं, या आपने किसी फंक्शन का नाम को की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, तो इस किस्म के जो एरर्स हैं वो सिंटेक्स एरर कहलाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आपको जब वो मैसेज दे रहा होता है तो आप उस लाइन में जाकर उस एरर को ठीक करते हो, यानी जो चीज़ मिसिंग थी या जो कुछ भी गलत था आपने उसको टाइप करके सही किया, सही करके आप उसको दोबारा से सेव करके दोबारा से कंपाइल करते हैं, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो जब एरर फ्री हो जाता है तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है। नेक्स्ट जो हमारा एरर है, टाइप ऑफ एरर है, वो है लॉजिकल एरर। ये जो लॉजिकल एरर है ये बड़ा मुश्किल किस्म का एरर है, जो कि हमें कंपाइलर इसको नहीं ढूंढ सकता, कंपाइलर ना तो इसको डिटेक्ट करता है और ना ही आपको वो कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा कि ये आपका कोई लॉजिकल एरर आया है। लॉजिक से मुराद क्या है, लॉजिकल एरर जो है वो तब अकर होता है जब हमने प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो गलत इख्तियार की है। अब प्रोग्राम की लॉजिक से क्या मुराद है, प्रोग्राम की लॉजिक से मुराद ये है कि हमने सपोज़ अगर चाय बनानी थी, चाय बनाने का हमने एक प्रोग्राम लिखना था, उससे पहले हमने उसका एल्गोरिदम लिखा, अगर वो हमने गलत तरतीब से या गलत लॉजिक इख्तियार कर ली है, हमने पत्ती डालने की बजाय नमक डालने का लिख दिया है वहाँ पर, तो वो जो हमारा रोबोट था जिसके अंदर हमने वो प्रोग्राम डालना था, उसने तो नमक डाल के आपको आउटपुट दे देनी है पत्ती की बजाय, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि ये तो चलें एक रोबोटिक्स की एग्जांपल थी, सपोज़ आपने अगर प्रोग्राम से आप चाह रहे हैं कि आप प्रोग्राम को ट्रायंगल की डायमेंशंस बताएं और आपका जो प्रोग्राम है वो उस ट्रायंगल का एरिया मालूम करके आपको दें, तो अब ये प्रोग्रामर हो सकता है गलती कर जाए कि वो वहाँ पर फार्मूला जो था वो इस्तेमाल करना था ट्रायंगल के एरिया का, तो वहाँ पे वो एरिया की बजाय पेरीमीटर का फार्मूला इस्तेमाल कर जाए, ठीक है, या वहाँ पर वो सर्कल के एरिया का फार्मूला इस्तेमाल कर ले, तो यहाँ पर ये क्या कि लॉजिक गलत हो गई, यानी जो प्रोग्रामर था वो जो इंसान जो कोडिंग कर रहा था उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं, जो प्रोग्राम लिखता है उसने उसको गलत तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। यानी अगर एक प्रोग्रामर किसी रोबोट के लिए प्रोग्राम लिख रहा था कि रोबोट जो है वो चाय बना के दे, और प्रोग्रामर ने गलत इंस्ट्रक्शन लिख दी कि वो पत्ती डालने की बजाय वहाँ पर नमक यूज़ कर रहा है, या उसने ग्रीन टी बनानी थी तो उसने ब्राउन टी वाली पत्ती डाल दी है, तो ये गलती किसकी है, ये प्रोग्रामर की है, ठीक है, ये सिंटेक्स एरर नहीं है। जो आपका प्रोग्राम है वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ठीक तरीके से आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन वो आउटपुट जो है वो गलत होगी, ठीक है। यानी चाय तो बन गई, रोबोट ने चाय बना दी, पत्ती की जगह नमक डाल दिया, ठीक। अब वो जो पत्ती की जगह नमक डाल गया, अब वो तो इंसान थोड़ी है ना, वो तो समझ नहीं सकता, ना ही वो पी के चख सकता है कि पिए थोड़ी सी चख के तो उसे पता चले कि जी पत्ती की जगह नमक डल गया, ना ही वो इंसान की तरह देख सकता है कि उसको पता हो कि जी ये मैं गलती से पत्ती की जगह नमक डाल रहा हूँ। तो ये प्रोग्रामर की गलती है कि उसने इंस्ट्रक्शन ऐसी लिख दी जो कि गलत थी, लेकिन उसके मुताबिक आउटपुट जो है वो आपकी आ गई, आउटपुट आ गई, लेकिन आउटपुट जो है वो रॉन्ग है। यानी आपने एक सवाल, जैसे कि हम मैथ्स की एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन लिखते लिखते हम रकम गलत उतार लेते हैं। अब हमने रकम गलत उतार ली, लेकिन हमारा सारा प्रोसेस जो था वो क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल ठीक था, हमने सारे स्टेप्स बिल्कुल सही किए, लेकिन वो जो रकम गलत उतारी थी, हमारा जवाब उस गलत रकम के मुताबिक आ गया। इसी तरह आपकी ये जो प्रोग्राम है वो गलत लॉजिक अगर आपने इख्तियार की, आपने कहीं पर फार्मूला गलत यूज़ कर लिया, तो कहीं पर आपकी इंस्ट्रक्शन आपने कुछ और लिखनी थी लेकिन कुछ और लिख दी, तो उसमें आप मिस्टेक किसकी है, वो हमारी है, आपको आउटपुट या आंसर जो है वो उस गलत इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मिलेगा, लेकिन आंसर मिलेगा ज़रूर, जैसे कि सवाल के एंड पे एक आंसर ज़रूर आएगा गलत रकम के बावजूद, लेकिन वो जवाब जो होगा वो आंसर क्या होगा वो गलत होगा, इसी तरह आउटपुट जो है वो गलत होगी। तो जो हमारा कंपाइलर है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंटेक्स एरर नहीं है, कंपाइलर का काम है सिर्फ सिंटेक्स एरर्स देखना। अब जब लॉजिकल एरर आएगा, तो जब आउटपुट रॉन्ग आएगी तो प्रोग्रामर परेशान होगा कि ये क्या भाई, इस तरह से तो
नहीं आना चाहिए था आंसर। अब आंसर गलत आ रहा है तो फिर प्रोग्रामर जो है वो खुद से उस प्रोग्राम की सारी लॉजिक चेक करेगा दोबारा से, यानी उसको दोबारा से टेस्ट करेगा या उस प्रोग्राम को दोबारा से रीड करके देखेगा कि उसने कहाँ पर मिस्टेक की कि उसका आंसर जो है वो गलत आ रहा है। समटाइम्स लॉजिकल एरर ऐसे भी होता है कि हमने किसी कोई वेरिएबल हमने यूज़ करना था वो इंटीजर टाइप का था, हमने उसकी डिवीजन की, आंसर जो है वो आ गया, तो जो इंटीजर है वो मतलब हम लोगों ने फ्लोट में आंसर देना था, पॉइंट में आंसर देना था, अब आंसर जो है वो हम किसी इंटीजर वेरिएबल में डाल रहे हैं तो इंटीजर वेरिएबल जो है वो पॉइंट में आंसर नहीं लेता, तो वहाँ पर हमारी मिस्टेक है, वहाँ आपको ज़ीरो शो हो रहा होगा अगर वो ज़ीरो पॉइंट समथिंग आंसर है, ठीक है, लेकिन वन पॉइंट समथिंग आंसर है तो सिर्फ वन शो हो रहा होगा, बाकी का जो पॉइंट वाला पार्ट है वो शो नहीं हो रहा, तो वो हमारी मिस्टेक है कि हमने गलत लॉजिक इख्तियार की, हमने कोई डाटा टाइप गलत कर दी, तो ऐसे एरर्स जो हैं वो कहलाते हैं लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर्स जो हैं वो तब अकर होते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है या रन हो रहा होता है, यानी आपका कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, रन हो रहा है, रन होते हुए रनिंग के दौरान एग्जीक्यूशन के दौरान आपका प्रोग्राम चल रहा था तो वो अचानक किसी एरर की वजह से रुक जाता है और आपको एक एरर मैसेज जो है वो शो होता है, तो वो वाला जो एरर है वो कहलाता है रन टाइम एरर। अब ये कब होते हैं कि जब आपका प्रोग्राम वो कंप्यूटर को कोई इलीगल काम करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन ऐसी लिखी हुई है जो कंप्यूटर को कोई इलीगल काम करने की को कह रही है। अब इलीगल काम कैसा हो सकता है कि सपोज़ हम जैसे कि मैथ्स में हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आना शुरू हो जाता है, तो ये एक इलीगल इंस्ट्रक्शन है कि हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है अपने प्रोग्राम में जो कि एक इलीगल एक्शन है तो उस सूरत में आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आपको चलते हुए यानी एग्जीक्यूशन के दौरान स्टॉप हो जाएगा और आपको एक एरर मैसेज जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया हुआ है तो वो डिवाइड करता ही जाएगा इन्फिनिट टाइम्स वो चलता जाएगा, आपका प्रोग्राम कभी स्टॉप नहीं होगा, आपको उसे फिर किसी और तरीके से उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स या तीन किस्म के जो हमारे एरर आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और इनको रिमूव किए बगैर हम अपने प्रोग्राम की प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते।